हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से राजस्थान की प्रथम डेयरी है। फर्स्ट है उर्मुल डेयरी, सेकंड है वर्मुल डेयरी, थर्ड जो है वो है पद्मा डेयरी और फोर्थ है गंगमूल डेयरी। तो बात करते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन की। जो उर्मुल डेयरी है वो कहाँ स्थित है? वो है बीकानेर में। सेकंड जो है वर्मुल डेयरी वो कहाँ पे स्थित थी? वो है जोधपुर में। और थर्ड जो पद्मा डेयरी है वो कहाँ है? अजमेर में। और फोर्थ जो है वो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। तो इनमें से जो प्रथम है डेयरी वो कौन सी है? आपकी पद्मा डेयरी जो है, जो कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, चार ऑप्शन क्लियर हो गए। राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी है? पद्मा डेयरी है, जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में। वर्मूल जो है वो कहाँ है? जोधपुर में। और उर्मूल जो है वो कहाँ है? बीकानेर में। और गंगमूल जो है वो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। क्लियर हो गए चारों ऑप्शन। बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। फसल की कटाई, मंडाई और सफाई, तीनों कार्य कौन सी मशीन करती है? अच्छा क्वेश्चन है ये। कटाई, मंडाई और सफाई, तीनों काम जो करती है वो कौन सी मशीन करती है? बात करते हैं रीपर, सेकंड है कंबाइन, थर्ड है मोवर और फोर्थ जो है वो क्या है? चाफ कटर। इन चारों में से बताएगा तीनों जो काम करती है वो कौन सी है। फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा रीपर, रीफर जो है वो फसल की कटाई का काम करती है। रीफर जो है वो फसल की कटाई का, ओनली कटाई का काम करती है। कंबाइनर जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, जिसे आप कंबाइन या कंबाइनर बोलते हैं। ये क्या करती है? फसल को काटती जाती है। एक तरफ से क्या होता है? थ्रेसिंग यानी भूसा और दाना अलग होता रहता है और बाद में सफाई होती रहती है। ठीक है, तो तीनों कार्य जो एक साथ करती है वो क्या है? आपका कंबाइनर मशीन, जिसे आप बोलते हैं। मोवर की बात करें तो आपने सुना होगा, जब हमारा घास का जो लॉन होता है उसमें मूवर की सहायता से हम क्या ग्रास की कटिंग करते हैं ना, सफाई भी करते हैं। तो ये क्या है? ये घास कटिंग का है, घास कटाई के लिए। ठीक है, और चाफ कटर ये तो आपने घर पे देखा ही होगा, जो हम कुट्टी काटते हैं चारे वाली। ठीक है, तो वो जो होता है वो क्या होता है? वो चाफ कटर, यानी हरे चारे को काटने के लिए, हरे चारे की कटाई के लिए जो है वो चाफ कटर उपयोग लेता है। मोवर घास की कटाई के लिए, कंबाइनर जो है कटाई, मंडाई और सफाई तीनों के लिए जो उपयोग किया जाता है वो कंबाइनर मशीन है। और जो रीपर है वो सिर्फ फसल की कटाई के लिए उपयोग में ली जाती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पक्षी चोंच से एक दूसरे को क्या करते हैं? घायल करते हैं। इस उसे क्या कहते हैं? पैचिस, कैम्पोलिज्म, मेटाबोलिज्म या उपयुक्त सभी। तो देखिए, पैचेस यानी क्या होता है? आपको पता है खूनी दस्त लग जाते हैं, है ना। गर्मियों के दिनों में ये समस्या जो है, और छोटे बच्चे जो होते हैं गाय के, बकरी के, फिर चूजे, मोस्टली जो कुक्कुट पालन में, उनमें ये खूनी दस्त देखने को मिलते हैं। इसका नाम क्या है? पैचेस यानी खूनी दस्त। ये किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से, प्रोटोजोआ। ठीक है, हमारा जो आंसर है, पक्षी चोंच से एक दूसरे को जो घायल करते हैं, ये मुर्गियों में देखने की बहुत बड़ी समस्या है, ये है कैनाबोलिज्म। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? कैनाबोलिज्म। इसमें क्या करते हैं, इसके उपचार के लिए क्या करते हैं, आगे की जो 1/3 जो बीक होती है मुर्गी की, उसको कट कर दिया जाता है, ताकि वो आपस में एक दूसरे को हार्म ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि जब आप, ये क्यों होता है, जब आपके जो आवास है मुर्गियों का, वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ओवर हीट हो जाती है, ओवर लाइट हो जाती है, या फिर जो आप ग्रेन दे रहे हो उसमें मिसमैनेजमेंट हो रहा है, या फिर आप किसी नए पक्षी को वहाँ पे एंट्री दे देते हो, तो इसके कारण क्या होता है, और छोटे चूजों में ये ज़्यादा होती है कैनाबोलिज्म की। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे को चोंच मार के नुकसान पहुँचाते हैं, और इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, उनका जो हेड है यानी उनके जो बाल होते हैं, फर, स्किन, रेड ब्लड आने लग जाता है, कई बार तो पशु मर जाता है। ठीक है, पक्षी मर जाता है, मेटाबॉलिज्म नहीं है, उपयुक्त समय नहीं है। ठीक है, बात करते हैं चंद्रभागा पशु मेला कहां भरता है। इंपॉर्टेंट है, चंद्रभागा पशु मेला कहां भरता है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्वतसर नागौर, सेकंड ऑप्शन है करौली, थर्ड ऑप्शन है झालरा पाटन झालावाड़ या फोर्थ ऑप्शन है भरतपुर। बताएं इन चारों में से जो चंद्रभागा है वो मेला कहाँ
पशु मेला, मेला नहीं ओनली पशु मेला कहाँ भरता है। देखिए पर्वत सर नागौर की बात करें, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, इसमें क्या है वीर तेजा जी, वीर तेजा जी पशु मेला, ये हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जो पशु मेले भरे जाते हैं वो नागौर में ही भरे जाते हैं, और ये यहाँ पे गायों की बैलों की ये बहुत बड़ा मेला होता है पशुओं के लिए, कृषि यांत्रिक के लिए, है ना। तो ये जो है ये वीर तेजाजी पशु मेला है, इसका जो आंसर है वो क्या है झालरा पाटन झालावाड़। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ चंद्रभागा पशु मेला भरता है। फोर्थ जो है करौली, यहाँ पे क्या है शिवरात्रि, शिवरात्रि पशु मेला, ये कहाँ है करौली में, और भरतपुर में जसवंत पशु मेला भरता है। और करौली में आपको पता है केला देवी अभ्यारण भी है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या है झालरा पाटन झालावाड़। और एग्जाम में पर्वत सर नागौर वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, जिसका नाम है वीर तेजाजी पशु मेला। ठीक है, क्लियर हुआ। राजस्थान में फूल मंडी कहाँ स्थित है, राजस्थान में फूल फ्लावर की जो मंडी है वो कहाँ स्थित है, भीनमाल जालौर में, बस्सी जयपुर में, अजमेर में, या फिर चोमू में। देखिए भीनमाल जालौर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईसब गोल की मंडी है, ईसब गोल मंडी है। और बस्सी की बात करें जयपुर में तो यहाँ पे क्या है टमाटर, टमाटर की मंडी है, टमाटर मंडी। बात करें अजमेर की, अजमेर में जो है पुष्कर में वो क्या है आपकी, वो आपकी है फूल मंडी। ठीक है, राजस्थान की जो सबसे बड़ी फूल मंडी है, फूल मंडी एकमात्र कहाँ पे है अजमेर में है। चोमू में क्या है आंवला और बेर मंडी, आंवला और बेर मंडी। तो ये आपके उपयुक्त क्वेश्चन थे सारे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा किस खरपतवार के पौधे पर बीज संख्या सर्वाधिक होती है, इनमें से कौन से खरपतवार है जिसकी जो बीज संख्या है वो सर्वाधिक होती है, अमरबेल की, बथुए की, मकोय की, या फिर जंगली चौलाई की। तो एक एक करके हम ऑप्शन को देखते हैं, अमरबेल की बात करते हैं, अमरबेल की जो बीज संख्या होती है वो कितनी होती है 16,000 बीज पर पौधा। ठीक है, ये इसकी उत्पादन होती है, मतलब एक बीज से, एक अमरबेल से कितना 16,000 बीज होते हैं। ठीक है, बथुए की बात करें तो इसका क्या है 75,000 बीज पर पौधा। ठीक है, 72 से 75 हजार के लमसम, ठीक है इतना ही होगा। मकोई की बात करें तो 1,75,000, 1,75,000 बीज पर पौधा। ठीक है, और जंगली चौलाई जो है 1,96,000 बीज पर पौधा। तो आप बताएं इनमें से सर्वाधिक किसकी है, हाँ जी जंगली चौलाई की है 1,00,000। कई बार इसकी डिजिट भी पूछ लेते हैं 1,96,000 प्रति पौधा। यही हम बात करते हैं किसकी, सत्यानाशी और गाजर घास की। ठीक है, गाजर घास और सत्यानाशी के क्या है 5,000 बीज पर पौधा, किसका, गाजर घास और सत्यानाशी के। तो ये सारे हो गए, यानी सबसे कम जो होंगे वो किसके होंगे, गाजर घास और सत्यानाशी के, सबसे ज़्यादा जो होंगे जंगली चौलाई के 1,96,000 बीज पर पौधा, उसके बाद किसके होंगे मकोई के होंगे 1,75,000, उसके बाद किसके होंगे बथुए के होंगे 72 से 75 हजार के लमसम। ठीक है, और उसके बाद जो होंगे वो किसके होंगे अमरबेल के, और लास्ट में गाजर घास और सत्यानाशी। क्लियर हो गया आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं, भैंस की वह नस्ल जिसके दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन वैसे ऑलमोस्ट सबको आता है, बट बार बार ये पूछा गया है तो हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, चारों ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है। मुर्रा की बात करें तो आपको पता है ये कहाँ का है, हरियाणा की नस्ल है। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है, विश्व में जो भैंसों में से सर्वाधिक जो दूध देती है वो कौन सी है, सर्वाधिक दूध देती है वो कौन सी है, मुर्रा, है ना। सूरती का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से है, गुजरात। और इसका जो खासियत बात है ये क्या है, दराती नुमा जो इसके सींग का आकार होता है, या फिर सिकल से बोल दीजिए, सिकल शेप हॉर्न, यानी जो इसके
सींग है वो किसकी तरह होते हैं, दराती नुमा होते हैं, इसलिए इसे सिकल शेप भी बोला जाता है। इसके एक एक कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो हम रिकॉल कर रहे हैं चीज़ों को। जाफराबादी, जाफराबादी का भी जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, गुजरात है। और जाफराबादी को किस नाम से जाना जाता है, इसको मिनी एलिफेंट, मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। और हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है, जैसा कि आप सब लोग जानते ही है, भदावरी है। क्या है भदावरी, इसमें क्या 13-14% फैट को वसा को नापा गया था, ठीक है। तो हाईएस्ट जो वसा का प्रतिशत है भैंसों में से, वो किसका है, भदावरी का है। और भदावरी का उत्पत्ति स्थान क्या है, यूपी है ना, क्लियर हो गया। मुर्रा सर्वाधिक दूध देती है, और बात करें इसका उत्पत्ति स्थान हरियाणा है। सूरती के जो कैरेक्टर है वो क्या है, इसके शिकल शेप जो हॉर्न होते हैं यानी जो सींग होते हैं वो दराती नुमा होते हैं। और गुजरात उसका उत्पत्ति स्थान है जाफराबादी को मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, इसका उत्पत्ति स्थान भी गुजरात है। सर्वाधिक वसा देती है भदावरी। और बात करें मुर्रा की एक कैरेक्टर जो है जलेबी नुमा जो है वो क्या है, इसके सींगों का आकार, ठीक है, जलेबी नुमा अंदर की तरफ मुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी बनने में सहायक पोषक तत्व कौन सा है। फर्स्ट है कोबाल्ट, सेकंड है कॉपर, थर्ड है सल्फर और फोर्थ है मॉलिब्डेनियम। इन चारों में से विटामिन सी बनने के लिए जो सहायक पोषक तत्व है वो कौन सा है। बात करते हैं कोबाल्ट की, तो विटामिन B12 जो है उसको बनने के लिए कौन सा है, कोबाल्ट है। कॉपर की बात की जाए, कॉपर जो है वो किसके लिए है, ये कैरोटीन के लिए है, ठीक है, किसके लिए है, कैरोटीन के लिए है, विटामिन ए के लिए है। सल्फर की बात की जाए, बी कॉम्प्लेक्स जो है खासकर विटामिन B1 B2, वैसे B9 तक के लिए है ये, बट B1 B2 थायमिन और राइबोफ्लेम जो है उसके लिए अधिक है, तो बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बनने के लिए पोषक तत्व तो कौन सा है, सल्फर है। अब हमारा आंसर क्या है, विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड के लिए जो मुख्य सहायक पोषक तत्व है वो क्या है, मॉलिब्डेनियम है। आंसर क्या है हमारा, मॉलिब्डेनियम है, क्लियर हुआ। अब देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, जो फर्क है वो हम देखते हैं। सुअर के साधारण मास को कहते हैं, सिंपल है, यहाँ पे एक साधारण वर्ड दे दिया गया है, यहाँ पे एक नमकीन वर्ड दे दिया गया है, बाकी जो ऑप्शन सेम है, लैंग्वेज सेम है क्वेश्चन की, ठीक है। सुअर के साधारण मास को क्या बोला जाता है, सुअर के मास को हम क्या बोलते हैं, पोर्क बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोर्क हो जाएगा, ठीक है। सुअर के नमकीन मास को, ये जी सॉल्टेड नमकीन जो मास होता है उसका नाम अलग दे दिया है, उसका नाम क्या हो जाएगा, बेकन हो जाएगा, ठीक है, बेकॉन हो जाएगा। बेकॉन जो है वो क्या है, नमकीन मास है, किसका मास है, सुअर का, पिक का, ठीक है। और बात करें साधारण मास, साधारण मास को क्या बोला जाता है, पोर्क बोला जाता है। ये जो टेंडर है ये क्या है, ये कुड़क जो मुर्गी है उसके मास को बोला जाता है। और यहाँ पे गर्गलिंग लिख रखा है, तो ऊंट के जो बोलने की क्रिया है ना, रंभाने की जो क्रिया है, बोलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, गर्गलिंग साउंड निकालता है ना ऊंट, गर्गलिंग साउंड, ऊंट के बोलने की क्रिया जो है वो क्या कहलाती है, गर्गलिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं, हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच।